नमस्कार, बंसल वास्तु रिसर्च एंड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं और आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तर मुखी है। जब आप अपने प्लॉट के अंदर खड़े होकर डायरेक्शन को चेक करते हैं तो प्लॉट के अंदर हमेशा ही सेंटर भाग में खड़े होकर फ्रंट की ओर देखते हैं, तो जो आपके कंपास के अंदर डायरेक्शन आती है वो डायरेक्शन आपके प्लॉट की कहलाती है। जब आप प्लॉट के अंदर खड़े हैं और बाहर फ्रंट रोड की तरफ देखते हैं और मोबाइल कंपास से डायरेक्शन चेक करते हैं, नॉर्थ 0 डिग्री आता है तो आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग कहलाएगा। अब आपको अपने प्लॉट के अंदर घर बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना चाहिए? जब आप प्लॉट के अंदर घर बनाते हैं, सबसे पहले आपके यहाँ पानी के अंडरग्राउंड टैंक की, सबमर्सिबल की, बोरवेल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ऐसे में आप पानी का अंडरग्राउंड टैंक कहाँ बना सकते हैं, सबमर्सिबल कहाँ लगा सकते हैं? वो नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर। इस जोन में आप पानी का अंडरग्राउंड टैंक या सबमर्सिबल लगा सकते हैं। ऐसे ही ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर पानी का अंडरग्राउंड टैंक और सबमर्सिबल लगा सकते हैं। जब पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं, जब पानी के टैंक के लिए मिट्टी की खुदाई करते हैं, तो जो मिट्टी यहाँ से निकलती है उस मिट्टी को आपने अपने प्लॉट के साउथ वेस्ट कॉर्नर में, इस कॉर्नर में डलवानी है। इससे दो काम हो जाते हैं, एक तो नॉर्थ ईस्ट में आपका पानी आ जाता है, चाहे नॉर्थ वॉल के साथ आए चाहे ईस्ट वॉल के साथ आए, और जो मिट्टी यहाँ से निकलती है वो साउथ वेस्ट में डलवा देते हैं, तो उसके कारण साउथ वेस्ट का एरिया आपका ऊंचा भी हो जाता है और भारी भी हो जाता है, जिससे कि ऐसे प्लॉट के अंदर वास्तु बल बढ़ जाता है, और जब वास्तु बल बढ़ता है तो बिल्डिंग जल्दी करके बन जाती है। अब बिल्डिंग बनाने के लिए यहाँ पर एक सीमेंट के लिए स्टोर भी बनाना पड़ता है। सीमेंट स्टोर भी आपको साउथ वेस्ट के एरिया में इस जोन में ही बनाना चाहिए, और इसी के साथ लगते हुए आपको लेबर क्वार्टर बनाने चाहिए। ऐसा करने से मेरा अपना मानना है कि आपकी बिल्डिंग में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। अब बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल आपको कहाँ डलवाना चाहिए। आपका अपना प्लॉट है, उसमें साउथ में एरिया खाली है या वेस्ट में एरिया खाली है या ईस्ट में एरिया खाली है, यानी खाली प्लॉट है, तो ऐसे में आपको बिल्डिंग मटेरियल कहाँ डलवाना है? साउथ का, यानी आपके प्लॉट के साउथ में बैक साइड में प्लॉट खाली है तो साउथ के भाग में आप बिल्डिंग मटेरियल डलवाएं, वेस्ट में है तो साउथ वेस्ट कॉर्नर से वेस्ट की ओर बिल्डिंग मटेरियल डलवाएं, और ईस्ट में आपके प्लॉट खाली है तो आप बैक साइड में साउथ की दीवार के साथ टच करता हुआ बिल्डिंग मटेरियल डलवाएंगे, तो मेरा अपना मानना है कि आपकी बिल्डिंग बनते हुए कोई दिक्कत नहीं आएगी। गलती से प्लॉट के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बिल्डिंग मटेरियल उतर जाता है या ईंटें रखवा लेते हैं या रोड़ी डस्ट उतरवा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको बिल्डिंग बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का एरिया हमेशा ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप अपने प्लॉट के अंदर बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें ओपन एरिया कहाँ रखना चाहिए? साउथ में ओपन एरिया कम होना चाहिए और नॉर्थ में ओपन एरिया ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है और वेंटिलेशन तो हर रूम को चाहिए ही। आपके प्लॉट का साइज़ बहुत बड़ा है तो आप ऐसे प्लॉट के अंदर चारों तरफ से ओपन रख के बिल्डिंग बना सकते हैं। आपके प्लॉट का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप 3 साइड ओपन रख सकते हैं, तो ऐसे में आपको अपनी बिल्डिंग वेस्ट में बनानी चाहिए, ईस्ट में ओपन एरिया रखना चाहिए, साउथ में ओपन एरिया रखना चाहिए और नॉर्थ में ओपन एरिया रखना चाहिए। फिर वही बात आ जाती है, साउथ में ओपन एरिया कम होना चाहिए और नॉर्थ में ओपन एरिया ज़्यादा होना चाहिए। प्लॉट का साइज़ ज़्यादा छोटा है तो आप वेस्ट की दीवार से ईस्ट की दीवार तक पूरी बिल्डिंग बना सकते हैं, बैक साइड में भी ओपन एरिया रखें और फ्रंट में भी ओपन एरिया रखें। अब आपको अपने यहाँ पर मेन गेट कहाँ लगाना चाहिए? बात आती है मेन गेट की। मेन गेट आपको नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर और एक छोटा गेट आपको नॉर्थ सेंटर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से ये दोनों गेट आपके पॉजिटिव हो जाते हैं। मेन गेट के ठीक सामने ड्राइववे बनाया जाता है, तो आपका ड्राइववे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग में बन जाएगा। यहाँ से गाड़ी आएगी और गाड़ी आपकी सीधी यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही जब नॉर्थ में ओपन एरिया रखते हैं तो साउथ में भी ओपन एरिया आप रख सकते हैं। साउथ में ओपन एरिया मिनिमम रखना है और नॉर्थ में ओपन एरिया ज़्यादा रखना है। घर की एंट्रेंस आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से यहाँ से भी बना सकते हैं और
नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के भाग से, यहाँ से भी बना सकते हैं। किचन आपको कहाँ बनानी चाहिए? किचन आपकी साउथ ईस्ट कॉर्नर में, यहाँ पर आपको अपनी किचन बनानी ही चाहिए। एक ऑप्शन में आप साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर, यहाँ पर भी आप अपनी किचन को बना सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट में साउथ ईस्ट में, सेकंड साउथ साउथ ईस्ट में आप अपनी किचन बना सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसी जगह में हमें टॉयलेट बाथरूम कहाँ बनाने चाहिए। आमतौर पर जो देखने में आता है कि किचन यहाँ पर बना देते हैं और किचन के साथ में ही यहाँ पर टच करते हुए टॉयलेट बाथरूम बना देते हैं। यहाँ पर किचन के साथ कभी भी टॉयलेट बाथरूम नहीं बनाने चाहिए, इसे वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। आपका अपना मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में नैऋत्य कोने में बन जाएगा, और जितने भी टॉयलेट बाथरूम बनाने हैं वो आप अपने यहाँ पर वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर और नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की ओर, इस जोन में आप अपने यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं। अब बात आती है स्टेयर्स की। स्टेयर्स हमें वास्तुशास्त्र के अनुसार कहाँ बनानी चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार बेस्ट ऑप्शन स्टेयर्स की वेस्ट पश्चिम दिशा में, यहाँ पर स्टेयर्स बनाते हैं तो ये स्टेयर्स वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत अच्छी मानी जाती है। सेकंड ऑप्शन में आप साउथ में दक्षिण दिशा में यहाँ पर स्टेयर्स बनाते हैं तो ये स्टेयर्स भी वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत अच्छी मानी जाती है। अब ये तो होगी दोनों स्टेयर्स इंटरनल अंदर की। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर किराए पर देना है या दूसरे भाई को रहना है, तो ऐसे में स्टेयर्स हमेशा ही बाहर के भाग से बनाई जाती है। तो ऐसे में आपको स्टेयर्स कहाँ नहीं बनानी चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में, इस जोन में आपको स्टेयर्स को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स बनाते हैं तो छत के ऊपर जाने के बाद जो ममटी बनती है वो भी आपकी नॉर्थ ईस्ट जोन में बन जाती है, जिसके कारण वास्तु दोष बन जाता है। जब नॉर्थ ईस्ट जोन ऊँची होती है तो उसके कारण कहीं ना कहीं पारिवारिक डिस्टर्बेंस बनती है, बेवजह के झगड़े होते हैं और जो काम बनने चाहिए वो काम भी प्रॉपर नहीं बनते। तो इसलिए कभी भी नॉर्थ ईस्ट की ओर स्टेयर्स को नहीं बनाना चाहिए। ऐसे में स्टेयर्स कहाँ बना सकते हैं? ऐसे में स्टेयर्स आप नॉर्थ वेस्ट में वायव्य कोने में, इस प्रकार से यहाँ पर आप अपनी स्टेयर्स बना सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से स्टेयर्स बनाने से होगा क्या, जब आप फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे ये आपकी बालकनी बन जाती है, जब आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो घर की जो एंट्रेंस बनती है वो भी एंट्रेंस आपकी नॉर्थ ईस्ट की बन जाती है। एरो जो मैंने दिखाया ये अंदर बाहर से अंदर की ओर जाते हुए, लेकिन जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अंदर से बाहर की ओर आते हुए नॉर्थ की बन जाती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर स्टेयर्स बना सकते हैं। ऐसे ही दूसरी ऑप्शन में आप स्टेयर्स कैसे बना सकते हैं? दूसरी ऑप्शन में आप स्टेयर्स नॉर्थ वेस्ट में, इस जोन में भी स्टेयर्स बना सकते हैं। यहां से आपकी स्टेयर्स घूम के ऊपर आती है और ऊपर की जो एंट्रेंस बनती है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के हिस्से की बन जाती है। ये एंट्रेंस भी एज पर वास्तु अच्छी रहेगी। इस प्रकार से भी आप नॉर्थ वेस्ट में स्टेयर्स बना सकते हैं और इस प्रकार से भी आप नॉर्थ वेस्ट में स्टेयर्स बना सकते हैं। दोनों ही स्टेयर्स आपकी अच्छी रहेगी, बस नॉर्थ ईस्ट जोन में ईशान कोण में आपने स्टेयर्स को नहीं बनाना है। अब इसमें जब स्टेयर्स आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बनाते हैं तो उसमें आपको एक स्पेशल बात का जरूर ध्यान रखना। किस बात का? जब आप ममटी बनाते हैं तो यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा ऊंचा हो जाता है और यहाँ पर बनाते हैं तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा ऊंचा हो जाता है। तो ऐसे में आपको जितनी आपकी बिल्डिंग बनी हुई है उसमें साउथ से लेकर नॉर्थ तक वेस्ट का हिस्सा सारा ही आपने कवर करना है। इस हिस्से पे लेंटर डाल के इसको एक लेवल करना है। ऐसा करने से छत पर वेस्ट का हिस्सा ऊंचा हो जाता है और ईस्ट में ओपन एरिया खुला खाली रह जाता है, नीचा हो जाता है, जिससे यहाँ का वास्तु सही हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे ऊपर टेरेस पर जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पर छत पर जाने के लिए हमें क्या करना है। उसके लिए हमें एक स्टेयर्स वेस्ट टू ईस्ट ओपन स्टेयर्स बनानी चाहिए। ऐसे ही आप नॉर्थ से साउथ की ओर भी स्टेयर्स बना सकते हैं। ये स्टेयर्स आपकी लोहे की MS की बनेगी,
जिससे कि आप सिर्फ छत के ऊपर जा सकते हैं, पानी की टंकी देख सकते हैं, छत की साफ सफाई कर सकते हैं, और इसके ऊपर मोमटी नहीं बनेगी, ये स्टेस आपकी खुली खाली रहेगी। यदि आप इस प्रकार से अपने प्लॉट के अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपका घर बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाएगा। अब इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, छत के ऊपर फर्श की ढलान कैसी होनी चाहिए, साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर, साउथ से भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर, वेस्ट से भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर छत की ढलान होनी चाहिए। और ऐसे ही फर्श की ढलान भी आप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर करते हैं तो ऐसी जगह के अंदर वास्तु बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और घर के अंदर खुशियाँ हमेशा बनी रहती है। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता सही है और आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो मेरी इस वीडियो को आप अपने परिवार के साथ बैठकर एक बार नहीं कई बार रिपीट कर करके देखिएगा और समझिएगा। आपको लगता है कि मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है तो आप इस प्रकार से अपना घर बना सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, और आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का मैप भी बनवा सकते हैं। आप अपने घर को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो भी आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेगी, पेड रहेगी। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाए ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।